आप सभी का आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। 2024 में बीजेपी की 240 सीटों पर सिमटने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर खुलकर हमला बोला है। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए लोगों से कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी आएंगे। विपक्ष को पता नहीं कि कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली हैं उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में बीजेपी ने जीती। अमित शाह ने यह बड़ा हमला एक कार्यक्रम में बोला। उन्होंने मनीमास चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 24/7 जल आपूर्ति परियोजना में लोकार्पण के दौरान कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उन्हें भरोसा दिलाने आया हूँ कि सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार एनडीए की होगी और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है और विपक्ष में ठीक से काम करने का तरीका सीखेगी। शाह का यह बयान ऐसे वक्त आया जब विपक्ष की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि मोदी काल का तीसरा काल पूरा नहीं होगा। इसके अलावा विपक्ष और दूसरे राजनीतिक हलकों में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा। शाह ने अपने बयान में 2029 में पीएम मोदी के आने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि विपक्ष को जो करना है करने दीजिए। 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी आएंगे। उन्हें विपक्ष पता नहीं है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की जितनी सीटें मिली थी उसे कहीं ज्यादा इस चुनाव में बीजेपी ने जीती। उन्हें यह भी नहीं पता है कि एनडीए सिर्फ एक दल बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं उतनी तो उनके पूरे अलायंस के पास भी नहीं। शाह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक अस्थिरता फैलाना चाहता है, उन्हें विपक्ष में ठीक से काम करने का तरीका सीखना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, ये लोग अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं उन्हें आश्वस्त करने आया हूँ कि यह सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार एनडीए की होगी और विपक्ष में बैठने में इंडिया अलायंस के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। उन्हें विपक्ष से ठीक से काम करने का तरीका सीखना होगा। केंद्र में जब से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव यह सब कह चुके हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का यह टिप्पणी उस वक्त का जवाब है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार अस्थिर, साल आगे ना चल पाया। आप नेता संजय सिंह ने भी दावा किया था कि केंद्र में गठबंधन सरकार एक साल से अधिक नहीं चल पाएगी और जब भी अवसर आएगा इंडिया ब्लॉक खुद को विकल्प के रूप में पेश करेगा। आपको बता दें कि 2029 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस सवाल को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कभी कहा जाता था कि गृह मंत्री अमित शाह वो जगह लेंगे तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता था। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद सभी अटकलों पर विराम लगना तय है। तो आप चलिए आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। या धारा सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी ही आएगा।
उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि तीन चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये उनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है, विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने